नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं ताकि वो बिजनेस कर सके और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सके। और इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे मेहमान को जो आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर भले ही आप इस बिजनेस को B2B करें या फिर B2C करें, दोनों आइडियाज हैं कैसे इस बिजनेस को करना है, वो हमारे जो गेस्ट है वो आपको बताएंगे। तो बिजनेस बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राहुल गुप्ता जी, जो कि ओनर है विजय एंटरप्राइजेस के, और पिछले 4 दशक से इनकी जो फैमिली है वो ड्राई फ्रूट के बिजनेस में है और अब ये भी इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। राहुल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियोस में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। कुछ अपनी फैमिली के बारे बताएं और क्या बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा ये बताएं हमको। देखिए, हम लोग जिस मार्केट में है, ये इज लाइक अ B2B पूरा सेक्टर है। हमारे से जो होलसेलर्स है वो हमसे माल लेकर के जाते हैं। हमारा जो कैटेगरी है वो होलसेलर से ऊपर है। आज आपके काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं जो आप रिटेल में देखते हो, ऑनलाइन में देखते हो, जो मॉडर्न मार्केटिंग जो हो गया, जो मॉडर्न ट्रेड्स हो गए, जैसे आप स्पेंसर्स में जाते हो या रिलायंस में जाते हो, तो वहाँ पे भी जो आप जो ब्रांड्स देखते हो वो ब्रांड्स हमसे माल लेकर करके अपना जो प्रोडक्ट को रीपैक करते हैं। तो आप कौन कौन से ड्राई फ्रूट के आइटम्स में डील करते हैं, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, B2B में हमारा मेन कैटेगरी है, एक आपका अखरोट है, एक आपका काजू है, और आलमंड भी हमारे धीरे धीरे मार्केट अभी पिकअप कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं सारे, आलमंड हुआ, काजू हुआ, किशमिश में भी डील करते हैं आप? जी, किशमिश में बहुत कम करते हैं, इसलिए मैंने उसको आपको नहीं ऐड किया उसमें। तो लेकिन ये जो सारे ड्राई फ्रूट के आइटम हैं ये कहाँ से आते हैं बेसिकली, ये जो सारा माल? जी, अपने इंडिया में भी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ऐसा बात नहीं है कि इंडिया में नहीं होते। चाहे आप काजू ले लो, चाहे किशमिश ले लो, आप पिस्ता ले लो, चाहे बादाम ले लो, चाहे अखरोट ले लो, इंडिया में भी सारे होते हैं। उनका टेस्ट जो होता है वो आपके वर्ल्ड में कोई भी आप अगर ड्राई फ्रूट्स लेते हो उनसे बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि टेस्ट होने होता है, लेकिन देखने में इनमें जो अट्रैक्शन होता है जो इंडियन प्रोडक्ट्स में, वो वैसा नहीं होता। इसलिए आप जो काजू जो बाज़ार से ख़रीदते हो, जो बहुत सुंदर लगता है, साइज़ बड़े होते हैं, जो सफ़ेद होते हैं, ये जनरली क्या होता है, इम्पोर्ट होकर के आते हैं आपका रॉ कैशू, जो फिर इंडिया में आ करके ये प्रोसेस होते हैं। तो ये रॉ कहाँ से होते हैं, ये एक्सपोर्ट कहाँ, इम्पोर्ट कहाँ से होते हैं राहुल जी? इम्पोर्ट ये आपके जनरली अफ्रीका से होते हैं और कुछ कुछ इंडोनेशिया से होते हैं। जी, तो इसका आप लोग भी क्या इम्पोर्ट करते हैं डायरेक्ट वहाँ से, कंट्रीज से? जी नहीं, रॉ कैशू का हम लोग इम्पोर्ट नहीं करते। हमारे जो जो प्रोसेसिंग हाउसेज जो इसको करते हैं, हम लोग अपना प्रोडक्ट वहीं से प्रोक्योर करते हैं। अब राहुल जी, ये बताइए कि कोई अगर नया बिजनेसमैन इस बिजनेस में आना चाहे, ड्राई फ्रूट का बिजनेस करना चाहे, सबसे पहले मैं कहूँगा B2B में अगर इसका बिजनेस करना चाहे, तो उसको सबसे पहले क्या कोई सरकारी नियम भी हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? B2B के लिए देखिए, बड़ा बेसिक सही है, आपका जो फसाई लाइसेंस होना चाहिए, आपका ट्रेड लाइसेंस जो है, फूड सेफ्टी लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। इंटर स्टेट कर रहे हो तो सेंट्रल रहे तो बहुत अच्छा है। आपका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, आपका पैन नंबर, GST नंबर, ये रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई जगह की भी दरकार है? कितनी जगह चाहिए मिनिमम एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए B2B में? देखिए, आज के दिन में आपका क्या मार्केट है आपको उसको मतलब कि स्टडी करना पड़ता है। आप ऑफिस भी लेकर करके आप बैठ सकते हैं। आप जिससे माल मतलब कि परचेस कर रहे हो, आप बिना मतलब कि गोडाउन के भी अगर ऑनलाइन ट्रेड करते हो, आप अपना माल उनसे लिए ऑर्डर, और जिससे आपको प्रोक्योर करना है उससे आप अपना डायरेक्ट भी कर दो। लेकिन कोई अगर मान लीजिए इसको B2B करना चाहे और जगह लेना चाहे और वहाँ पे फिर काजू को या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स उसको रखना चाहे, फिर आगे सेल करना चाहे होलसेलर्स को, तो कितना जगह कुछ दरकार है इसमें कुछ है कि? अगर आप अपना एक टेबल चेयर ऑफिस लेकर के भी अगर आप बैठे हो, तो मेरे ख्याल से 150 स्क्वायर फीट में आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। और कितना इन्वेस्टमेंट का इसमें दरकार रहता है? इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर आप शुरुआत करते हो तो मेरे ख्याल से कम 8 से 10 लाख रुपए लेकर करके आपको स्टार्ट करना चाहिए यह व्यापार, ताकि आप अगर माल अगर परचेस करने जाओ तो सामने वाला भी आपको थोड़ा सीरियसली ले और एक आपको अच्छा रेट में माल बेचे। ये बताइए कि इस बिजनेस में से 8-10 लाख का आपने कहा माल, जिसके पास 8-10 लाख नहीं है, तो उसको क्या कोई लोन वगैरह कहीं से मिल जाता है, ऐसा कुछ फैसिलिटी है?
देखिए लोन के ऊपर आपका एक तो होता है कि आप मतलब कि कोलैटरल दे करके लोन ले सकते हो, दूसरा अगर आपने बिजनेस को से डाउन द लाइन 2 साल आपने ऑपरेट किया या 3 साल आपने ऑपरेट किया विद प्रॉपर अगर ITR है, तो सरकार आज के दिन में आपके मतलब कि टर्नओवर के बेसिस पे भी आपको लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन देती है, तो आपका जो GST रिटर्न है उसके बेसिस पे भी आपको CC लिमिट बैंक के द्वारा मिल सकती है। नए व्यापारी को लोन मिल सकता है जो एकदम नया उतरा है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको बिजनेस करना है, क्या उसको लोन मिल सकता है? देखिए ऐसा तो कैटेगरी मैंने अभी तक कोई सर्च किया नहीं अपने तरफ से, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कोई विमेन एंटरप्रेन्योर के बेसिस में भी कुछ हो तो शायद ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा ये तो रही इन्वेस्टमेंट की बात, अब मुझे ये बताइए राहुल जी कि हम टारगेट कस्टमर्स को कैसे ढूंढें, कि हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन है? अगर हम B2B कर रहे हैं तो किनको जाकर ये प्रोडक्ट्स बेचेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, कैसे कस्टमर्स को अप्रोच करेंगे, ये कैसे करें? इसका सवाल आपको अपने अंदर में ढूंढना पड़ेगा। आप जिस जगह में बैठ करके व्यापार कर रहे हो आपको अपना एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, आपके जो टारगेटेड जो कस्टमर्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। क्या होता है कि आप अगर कोई बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी, बहुत ही अच्छी उम्दा क्वालिटी माल लेकर के आप अपने मार्केट में बैठ गए, लेकिन आपके मार्केट में वैसे लोग ही नहीं जो आपको उसका पैसा देंगे, तो फिर आपका माल नहीं बिकेगा। और अगर आप कोई अप मार्केट में जा करके कोई लो ग्रेड या एवरेज ग्रेड की प्रोडक्ट रखेंगे तो वैसे माल आपका नहीं बिकेगा क्योंकि लोग नहीं आएंगे। तो आपका जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं आपको उनको स्टडी करना पड़ेगा। अगर अप मार्केट हैं तो आपको अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी वैरायटी लेकर के बैठना पड़ेगा, दाम की चिंता नहीं करें, पब्लिक पैसा दे करके जाएगा। और अगर आपका जो मार्केट है जो थोड़ा सा डाउनग्रेड है या जहाँ पे एवरेज कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पे आपको अपनी जो प्रोडक्ट है वो एवरेज क्वालिटी की ही रखनी पड़ेगी। तो ये ड्राई फ्रूट का बिजनेस करके अगर आप 8-10 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपने एक अच्छी मार्केट भी बना ली है, तो कितने का आप महीने का इससे बिजनेस निकाल सकते हैं, क्या रेवेन्यू आप इससे निकाल सकते हैं? देखिए 8-10 लाख का अगर आप अच्छी टर्नओवर करोगे, अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया 10 लाख, आपकी मेहनत अगर अच्छी रहेगी तो मेरे हिसाब से आपसे 35,000 से 50,000 रुपए तक की कमाई आपकी हो जानी चाहिए महीने की, अगर हम 8-10 लाख लेके चलते हैं। सही बात। और इसमें कोई क्रेडिट का भी पॉलिसी रहती है कि माल इसमें कैश में बिकता है, क्रेडिट का भी, इसमें पैसा डूबने का भी एक डर रहता है यहाँ पे? वो तो हर व्यापार में रहता है। जी बिल्कुल, नहीं इसमें भी वो चक्कर है कि उधारी का और ये सब का कि पैसा वो पॉलिसी देखिए अब आपके ऊपर है, आपका व्यापार है, आपका पैसा है, आप जैसे चलाने चाहो आप वैसे चलाओ। तो ये ड्राई फ्रूट के बिजनेस में चैलेंजेस क्या क्या है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जैसे एक तो उधार का प्रॉब्लम हर बिजनेस में रहता है, इस धंधे में अगर हम 50,000 महीना कमा रहे हैं तो कोई तो चैलेंजेस होता होगा जो हमको फेस करना पड़ता है। सही बात है। इसमें होता है कि जैसे जो ड्राई फ्रूट्स होती है ये बड़ी आपकी डेलिकेट चीज़ होती है जी। अगर आप लौंग ले लो, आप काली मिर्ची ले लो, आप उसे उठा कर कर करके आप रख दो, 2 साल में भी उस आइटम को कुछ नहीं होने का। लेकिन काजू हो गए, बादाम हो गए, ये तो फिर भी चलो ठीक है, अगर पैक है, सील है, तब है, तो भी आपका महीना भर तक आपका चल जाता है। अगर आप किशमिश लेते हो, अच्छी वाली हरी किशमिश लेते हो 800 रुपये की, आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर में रख दोगे, 1 महीने के अंदर में वो आपकी कलर चली जाएगी। अच्छा, वो जा करके बिकेगी आपकी 200 रुपये किलो में। तो उसको फिर कैसे हम प्रिजर्व करें, कैसे? आपके लिए उसको रेफ्रिजरेशन आपको रखना पड़ेगा, कोई एक आपको फ्रिज खरीदना पड़ेगा। अब खुरमानी हो गई या अंजीर हो गया, ये सब जो आइटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट आइटम्स होते हैं, अगर एक लेवल के बाद में खराब हो जाए तो कोई भाव में ही नहीं बिकता। इसको कैसे बचाएं फिर हम, ये भी तो नुकसान, अगर नहीं बिकेगा तो नुकसान। स्मॉल क्वांटिटी से आप इसको मतलब कि चालू करें, और जैसे जो रिस्की आइटम्स जैसे जो हो गए उसके लिए आपको फ्रिज रखना ही पड़ेगा, अगर आप उसमें डील करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप पहले जो थोड़े से जो सेफ प्रोडक्ट्स हैं, जो थोड़े से जिनका आपका शेल्फ लाइफ है, आप उनसे शुरू करो। फिर आपके कस्टमर्स को अगर पता चलता है कि हाँ ये ऑफिस हमारा यहाँ प्रॉपर एक ड्राई फ्रूट्स का है या ये काउंटर प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स का है, तब आप अपने आप को धीरे धीरे आप अपग्रेड कर सकते हो। बिल्कुल। और कोई सलाह जो आप अपनी तरफ से बिजनेसमैन को, क्योंकि आपके एक वाइड एक्सपीरियंस है, आपकी 4th पीढ़ी है जो अब इस बिजनेस में है, आप अपने तरफ से जो नए बिजनेसमैन हैं या फिर जो काजू ड्राई फ्रूट का जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको कोई सलाह देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं यही देना चाहूँगा कि आप जो है अपना मार्केट देख करके आप काम करो, अपने शौक के लिए काम मत करो, और अपने क्या है कि लालच के लिए काम मत करो। आपका जो कैपेसिटी है जो सेल का, आप जैसे जैसे सेल आपकी इंक्रीज होती है वैसे वैसे आप अपनी सेल बढ़ाओ। क्योंकि क्या होता है कि जो ड्राई फ्रूट्स बिजनेस होता है, कभी कभी जैसे अगर सेल कम है तो सामने वाला जो आपका वेंडर है, आपका सपोज आपका कैपेसिटी है
एक हफ्ते में या एक महीने में 100 किलो काजू बेचने का। अगला बोलेगा भैया आप 200 किलो लोगे, मैं तुझे रेट कम कर दूंगा। उस लालच में आप कभी मत जाना। आपकी जितनी सेल होती है उससे 10% एक्स्ट्रा एक सिर्फ आप स्टॉक ले करके चलो ड्राई फ्रूट्स में शुरुआत के लिए। उसके बाद में जो फेस्टिव सीज़न आती है उसके तौर पे आप अपने मार्केट को स्टडी कर करके आप अपना माल परचेज करो। मतलब बहुत ही कॉशियस होकर चलना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल, बहुत ही कॉशियस होकर के आपको ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस आपको करना चाहिए। क्योंकि इससे ये भी है कि आपने कहा कि 50,000 का है, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो फिर मुनाफा भी ज़्यादा होगा। ऑफकोर्स अगर हम ये कह सकते हैं 10 लाख में आपने कह रहा 50,000 प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए 20-30 लाख या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या लगता है कि इससे मुनाफा ज़्यादा होने का उम्मीद है या फिर आदमी लालच में जाकर नुकसान भी खा सकता है? जैसे मैंने आपको बोला, आपको अपना मार्केट को आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपके मार्केट में सेल अगर 20 लाख का है तो आप 50 लाख का माल परचेस करके करोगे क्या? वही बात है, आपके पास में चाहे पैसा हो लेकिन अगर आपका सेल ही अगर आपका आप अगर देख रहे हो कि हर महीना 15 से 18 कोई फेस्टिव सीजन आया तो 22 लाख का सेल हो गया, तो आप उसमें 50 लाख का स्टॉक लेकर के आप क्या करोगे? सही, आपको उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। बहरहाल ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और राहुल जी से कोई सवाल करना हो आपको तो आपका नंबर हमने स्क्रीन में शेयर कर दिया है, राहुल जी से बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहें तो बिजनेस तो मुनाफे वाला है, लेकिन जो इस बातों का लबोलुभाव यही है कि आपको बहुत ही संभल के बिजनेस करना होगा और लालच में नहीं डूबना पड़ेगा कि अगर सेल ज्यादा है तो हम उस हिसाब से माल उठाएं। आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा क्योंकि अगर माल खराब हो गया तो वो कौड़ी के दाम बिकेगा, कौड़ी के दाम। और बहरहाल ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए ताकि बिजनेस की ऐसी जानकारियां मैं आपके लाता रहूं। जाते जाते आपको चॉकलेट हट का भी वीडियो छोड़े जा रहा हूं कि आप कैसे बेकरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया गया है। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और अब नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए।